सुप्रभात, मेरा नाम रक्षा झा है। मैं 8वीं कक्षा की विद्यार्थिनी हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक करुण रस की कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। चारों तरफ उजाल पर अंधेरी रात थी, चारों तरफ उजाल पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछ बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। वह 8 साल का लड़का ये नहीं जानता था कि उसके पापा अब लौट कर वापस कभी नहीं आएंगे। 2-4 दिन तक वह अपनी माँ की स्थिति को देखता आ रहा होता है और अपनी माँ को देखकर वह क्या कहता है, सुनिए। माँ क्यों ना तूने आज भी बिंदिया लगाई है, माँ क्यों ना तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली, न मेहंदी रचाई है, बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, कुमकुम के बिना सूना सा लगता है श्रृंगार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। वह लड़का कुछ देर के लिए अपने मित्रों के साथ बाहर खेलने जाता है और अपने मित्रों के पिताओं द्वारा लाए गए उपहारों को देखता है, उन तोहफों को देखता है और अपनी माँ के पास वापस आता है और अपनी माँ से फिर वही प्रश्न कहता है। वो क्या कहता है, सुनिए। किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, मिठाई अब साथ में पटाखे लाए हैं, वो भी तो नए जूते पहन खेलने आया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, अब तो बता दो क्यों है सुना आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। वह लड़का लगातार अपनी माँ से प्रश्न करता है और उसकी माँ मौन रहती है और कुछ नहीं कहती। इस पर वह लड़का अपनी माँ से रूठ जाता है और उसके दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़कर उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और क्या कहता है, सुनिए। 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा, ऐसा क्या हुआ कि बताने से है इनकार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। और विडंबना देखिए दोस्तों कि पूछ ही रहा था वह लड़का जिस पिता के लिए, पूछ ही रहा था वह लड़का जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियाँ उसकी चिता के लिए। पूछते पूछते वह हो गया निराश, पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। उस लाश को देखकर वह 8 साल का लड़का क्या कहता है, गौर करिएगा। मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा, आशीर्वाद दो मकाम पूरा हो इस बार, लला 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 लला।